आर गोइंग टू लर्न अ प्रैक्टिकल टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ गिवन कंपाउंड. कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें हम कैसे पता करेंगे कि इस कंपाउंड में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं. स्टार्च आप जानते हैं, प्लांट्स फूड को स्टोर करते हैं किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, किसके फॉर्म में, स्टार्च. स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं. तो हमने क्या ले लिया, हमारे पास ये एक पाउडर है, इस पर लिखा हुआ है स्टार्च सॉल्युबल. अगर आपके घर पे ये पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप आलू भी ले सकते हैं, और क्योंकि आलू में आटा भी ले सकते हैं, आटा में भी स्टार्च है, आलू में भी स्टार्च है. और अगर बिस्किट कोई लाया हो तो जल्दी से लाया, कल लाया कोई बिस्किट हमने यहाँ पे क्या किया है, एक स्पैटुला लिया, स्टार्च पाउडर, क्या लिया, स्टार्च पाउडर. और स्टार्च पाउडर को हम ये डाल रहे हैं टेस्ट ट्यूब में. हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, तो यहाँ देख सकते हैं आप स्टार्च पाउडर आ गया. ठीक, नहीं इट इज नॉट हार्मफुल यार, स्टार्च तो आप खाते हैं. ये लो, आलू में होता है स्टार्च, कोई हार्मफुल नहीं है. मैंने उंगली में लगा रही है, देखो धुआं धुआं, फिर मुंह पे फेशियल कर दूं क्या स्टार्च का. यार अब इसमें हम पानी मिला रहे हैं ताकि स्टार्च का हमारा सोल्यूशन तैयार हो जाए. ठीक, ले भाई शेक इट वेल. साथ में हमने ले लिया क्या, बेरियम क्लोराइड. ये भी एक कंपाउंड है, तो हम ये चेक करते हैं कि बेरियम क्लोराइड में स्टार्च अवेलेबल है या नहीं. ठीक है, तो ये बेरियम क्लोराइड लिया हमने, एक स्पैटुला लिया, टेस्ट ट्यूब. ये बेरियम क्लोराइड डाल दिया, पानी मिला के शेक इट वेल. और ये हमने दोनों को क्या किया, बंद कर दिया. ठीक, यहाँ हमारे पास तैयार हो गया है, दिस इज स्टार्च सॉल्यूशन. ये हमें पता है, ये हमारा तैयार हो गया क्या, स्टार्च सॉल्यूशन. ठीक, और ये हमारा तैयार हो गया बेरियम क्लोराइड. ठीक, हम ये दो सॉल्यूशन तैयार हो गए. हमें प्रूफ करना है कि ये इसमें वाकई स्टार्च था. ये सफेद सफेद जो पाउडर मेरे हाथों में लगा हुआ है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, स्टार्च. हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें लिखा हुआ है आयोडीन सॉल्यूशन. क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन. ठीक है, साथ साथ में आलू का पराठा भी आ गया. हम बाद में इस पर भी चेक करेंगे कि इसमें स्टार्च है या नहीं. हम आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स को हमने ये लिया, इसमें डालेंगे. कैसा हो गया, ब्लैकिश ब्लू हो गया. ठीक, ये जो ब्लैक कलर हो गया है, आयोडीन टर्न्स ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. आयोडीन सॉल्यूशन ब्लैक हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में, स्टार्च की. ठीक, चलो भाई अब इसमें बेरियम क्लोराइड में डाल के हम चेक करेंगे इसमें क्या हो रहा है. नहीं, आप चेक कर लीजिए, वो जो नेचुरल कलर है आयोडीन सॉल्यूशन का, वो वैसा ही है. ये देखिए, आप अगर लाएंगे तो आप तो आपको अलग ऑब्जर्व हो जाएगा. दिस इज द नेचुरल कलर ऑफ आयोडीन. ठीक, इट इज ब्राउन एंड इट टर्न्स व्हाट, ब्लैकिश ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की प्रेजेंस में. ठीक है, तो ये तो हो गया भाई हमारा क्लियर. अब ये लाए थे ये आलू का पराठा, इन्होंने कहा कि सर आलू के पराठे के भी चेक करिए. तो हमने सीधा आलू का पराठा लाए हैं यहाँ, और आलू के पराठे के ऊपर हम फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन का डालेंगे. कैसा हो रहा है, किस कलर का हो गया भाई, ब्लैक हो गया, ब्लैकिश ब्लू, यानी कि इसके अंदर क्या है, स्टार्च. बहुत सारे बच्चे कह रहे थे नुकसानदायक है ये, 700 कह रहा था स्टार्च नुकसानदायक है. नहीं भाई, स्टार्च का डेली लाइफ में हम प्रयोग करते हैं. ठीक है, तो दैट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ बायोलॉजी टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ गिवन कंपाउंड. तो कई बार बोर्ड में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वो भी इससे बन जाते हैं. तो आपको बस एक बात याद रखनी है, जल्दी से आ जाइए, वी विल हैव अ टेबल इन देयर. अगर स्टार्च अवेलेबल है किसी भी कंपाउंड में, स्टार्च प्रेजेंट है, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर उसका कलर कैसा आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा. एक्चुअली ब्लू भी नहीं आएगा, कैसा आ जाएगा, ब्लैक. कई बार डीप ब्लैक आता है, कई बार ब्लूइश ब्लैक आता है, लेकिन वो इतना डीप ब्लू होता है कि वो ब्लैक ही दिखता है. और अगर स्टार्च, ये प्रेजेंट स्टार्च, प्रेजेंस स्टार्च, और इफ एब्सेंट है स्टार्च, तो वो जैसा कलर है आयोडीन सॉल्यूशन का, कैसा, ब्राउन. दैट इज अ नेचुरल
कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, जान गए, यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड इन द एब्सेंस ऑफ स्टार्च इट टर्न्स इट रिमेन्स नेचुरली कलर दैट इज आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने आलू के पराठे का जरूरी एक एग्जांपल, एक जबरदस्त एग्जांपल रहा, आप देख सकते हैं बढ़िया ब्लैक कलर है आयोडीन सॉल्यूशन का, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये स्टार्च पाउडर हमने सीधा डाल दिया था, ये आपका स्टार्च पाउडर था। तो आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा, और मैंने आपसे बताया था कि हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल की सीरीज स्टार्ट करी है, तो जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको आप मेरे चैनल आशुतोष शर्मा पर देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर स्टे ट्यूनिंग विद गॉड ऑफ फिजिक्स।